साल 2020 गुजरने में अब चंद कुछ ही पल बचे हैं। लगभग पूरा साल कोरोना वायरस और उनकी चुनौतियों से भरा हुआ था। 2020 के चंद महीने गुजरने के बाद ही महामारी ने देश में दस्तक दी। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और तत्काल न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। कोरोना को काबू करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, जिससे आर्थिक गतिविधियों को ठप कर दिया। प्रवासी मजदूरियों को पलायन करने को मजबूर किया गया और लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर घर जाने वाले मजदूरों की तस्वीरें और दर्द बयां करती कहानियां हमेशा लोगों के जहन में रहेंगी। कोरोना वायरस ने देश के साथ साथ पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। महामारी का कहर इस कदर बरपा कि देखते ही देखते 180 से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले लिया गया। बड़ी आबादी और स्वास्थ्य सुविधाओं की लचर व्यवस्था ने भारत की चिंता और बढ़ाई। देश में जल्द ही संक्रमण के मामलों की संख्या 1 करोड़ पहुंच जाएंगी। कोरोना को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए गए और आगे भी किए जाते रहेंगे। पूरे देश की निगाहें अब कोरोना वैक्सीन पर टिकी हुई है। कोरोना के कहर के बीच तबलीगी जमात का भी जिक्र हुआ। दूसरी खबर, केंद्र के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन। सर्द मौसम में दिल्ली की सियासी चपिश, इस साल की दूसरे सबसे बड़ी खबर। केंद्र ने 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन ने सर्द मौसम में दिल्ली की सियासी चपिश बढ़ा दी है। केंद्र सरकार सितंबर महीने में 3 नए कृषि विधेयक लाई, जो संसद की मंजूरी और राष्ट्रपति की मुहर के बाद कानून बने। किसानों को ये कानून राजी नहीं है। किसान दिल्ली चलो अभियान के तहत राष्ट्रीय राजधानी और उनके आसपास के इलाकों में डेरा डाले हुए हैं और सरकार से लंबी लड़ाई को लेकर तैयार है। वे पर्याप्त राशन और जरूरत का सारा सामान लेकर आए हैं। कानूनों को रद्द करने से कम पर मानने को किसान तैयार नहीं है। किसान संगठनों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हुई, जो बेनतीज रही। किसानों के मान मनोबल का सिलसिला अब भी जारी ही है। कानूनों से फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP खत्म हो जाने का डर सता रहा है। ऐसे ही कुछ बड़े बड़े बदलाव हमने 2020 में देखे हैं। इसकी आगे की जानकारी हम तोरल से जानते हैं। पिछले साल के अंत में पेश नागरिकता संशोधन विधेयक संसद की मंजूरी के बाद कानून तो बन गया, लेकिन इसका विरोध 2020 में भी नहीं थमा। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पूर्वोत्तर से उठी आवाज 2020 की शुरुआत तक देश भर में विरोध प्रदर्शन की शक्ल ले चुकी थी। दिल्ली के शाहीन बाग में CAA के खिलाफ लंबे समय तक प्रदर्शन चला। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इसमें अधिकांश महिलाएं धरने पर बैठी थी। शाहीन बाग में प्रदर्शन का चेहरा बनी 82 साल की बिल्किस दादी। टाइम मैगजीन ने बिल्किस बानो को 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों की अपनी सूची में शामिल किया है। CAA के विरोध में भड़की हिंसा फरवरी महीने के आखिर तक दंगों में तब्दील हो गई। कई इलाकों में वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी और पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस को भी निशाना बनाया गया। कानून के समर्थक और विरोधी आपस में भिड़ गए। दिल्ली दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग घायल हो गए। दिल्ली के दंगे तो थम गए, लेकिन इन दंगों में अपनों को खोने का मर्म हमेशा बना रहेगा। अर्थव्यवस्था के लिहाज से साल 2020 काफी खराब रहा। अमेरिका चीन के बीच व्यापार युद्ध और अन्य वैश्विक एवं घरेलू कारणों के चलते सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था पर कोरोना महामारी की गहरी मार पड़ी। कोरोना को काबू करने के लिए देश में लगाए गए लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई थी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून में देश की GDP में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। हाल ही में दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के GDP आंकड़े जारी हुए। अनलॉक के तहत आर्थिक गतिविधियों के फिर से चालू होने पर अर्थव्यवस्था की सेहत सुधरी है। जुलाई सितंबर तिमाही में GDP 7.5% का संकुचन देखा गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए GDP में 7.5% गिरावट का अनुमान जताया है। 2020 हमारे लिए एक यादगार साल रहेगा, जिसमें कोरोना जैसी महामारी आई, देश की आर्थिक व्यवस्था हिल गई, GDP दर कम हो गया,
सीएए के विरोध में लोगों ने आवाज उठाई। नए कृषि बिल कानून किसानों पर थोप दिए गए। बड़ी बड़ी हस्तियों ने हमें अलविदा कहा, पर अब नया साल आने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल हम सब के लिए खुशियों से भरा हो, नई सरकार बने, किसानों को उनका हक मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, जीडीपी में बढ़ोतरी हो, कोरोना जैसी बीमारियों का आगे हमको सामना ना करना पड़े। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तत्काल न्यूज़ लाइव, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।